गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओह माय गॉड, मेरे बाल देखो कैसे हो रखे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हमने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट 1:15 बजे, आप लोग देख सकते हैं क्या टाइम हो रखा है। 1:15 बजे मैं बोल रही हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट किया था। नहीं, हमने ब्रेकफास्ट नहीं, हमने लंच भी कर लिया, ब्रंच कर लिया हमने। और अभी मम्मी कह रही है कि मार्केट जाना है। क्या हो रही है मम्मी, कहाँ जा रहे हो? मम्मी मेरे को इतनी ठंड में मार्केट जान ले जा रही है और आप रुक जाओ। मम्मी ने मेरे को पीछे से किक किया। तेरी आज तो पूरी फॉर्म क्या कर अभी धूप नहीं निकल रही बिल्कुल भी। और मम्मी प्लीज मार्केट मत जाओ ना। बेटे अपने भैया की शादी, आपके भैया की अंकल मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है, मेरे कजन ब्रदर की शादी। तो वो यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने एक नई गाड़ी बाई किया, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है। तो फिर यहाँ पे गले में हो गया कि मेरे भाई की शादी है, यश की शादी। तो अब धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और अभी जाना है मार्केट जाना है। तब तक के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि जाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ कितने दिन रह गए मम्मी? सिर्फ कुछ चंद दिन बाकी रह गए। 5 तारीख की शादी है, 5 फेब की शादी है। और 5 फेब की शादी आज 25 जनवरी हो गई, 25 तो लगा लो कि हफ्ता ही रह गया। और 1 तारीख से फंक्शन शुरू हो जाने है, उसके बाद तो फिर वही। तो गाइज मैं तो हो गई हूँ तैयार, एकदम टिप टॉप बन गई हूँ। पर अभी मम्मी नहा रही है, पर मेरे को मम्मी का ना इस चीज़ ना समझ में नहीं आती कि मम्मी काम पहले कर लेंगी और नहाएंगी बाद में। मतलब क्या तुक्का है। और मार्केट तो हम लोग कल भी गए थे, पर मेरे अंदर इतना आलस भरा हुआ है ना कि मैं सामान आज निकालती हूँ स्कूटी के अंदर से। इसमें तो हो गई हूँ बिल्कुल अपने ड्राइवर बनने की तैयारी में, पर मम्मी हमेशा लेट करा देती है। मम्मी जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब मैं तो अपनी गाड़ी लेकर सवार हो रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मेरी गाड़ी कौन, मेरी गाड़ी थोड़ी नहीं है, पर भाई मेरे लिए तो ये मेरी गाड़ी ही है, क्योंकि इस गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है। ये गाड़ी मतलब मेरी स्कूटी कब आई थी, 2015 में आई थी, नवंबर में। 2022 आ गया है, हाँ। तो इतने सालों इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, और मम्मी का भी साथ दिया है, क्योंकि मम्मी जहाँ भी जाती है हमेशा मेरे साथ ही जाती है, क्योंकि भाई भी ऑफिस चले जाते हैं, पापा भी ऑफिस चले जाते हैं, इसीलिए। पर इस स्कूटी के साथ मेरा एक किस्सा है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। मेरा इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी मम्मी आ गए, अब हम चलते हैं, तैयार हो गए। तुम लोग आ गए हैं, नहीं नहीं कौन से वाली लिए, ये वाली। तो मम्मी बिलिंग कर रही है और उसके बाद हम चलते हैं ऋषि कॉलोनी। आधी शॉपिंग तो बाकी हो गया, आधी तो क्या एक आइटम ही लिया, दो मैंने स्वेटर लिया। अभी हम लोग डिसी क्रोने चलते हैं। मैंने कहा अपना, पर मम्मी यहाँ पे गई हुई है कुछ पाइप लेने के लिए। ये रही मम्मी, मम्मी मिल गई। अब हमें डीसी कॉलोनी जाना है। हमारी शॉपिंग तो हो गई थी एक्चुअली, मैंने लहंगा वगैरह वेयर करना है, मैंने लहंगा भी ले लिया था, चूड़ियाँ भी लेनी ले ली थी हमने, चूड़ियाँ ले ली थी। पर जो मैंने चूड़ियाँ ली थी ना अपने लिए, वो एक मैचिंग नहीं हुई, पिंक ले ली मैं, पर दुपट्टा मेरा रेड कलर का है, इसलिए मैं वो चूड़ियाँ एक्सचेंज करवाने के लिए जा रही हूँ। आ गई, मिल गई। इसके ऊपर एक
वाला मैच नहीं होगा ये वाला। Two hours later. तो मेरा भाई आ गया है। अभी आई अभी आई अभी आई। आ गया तू? तो ये आ गया हीरो बदमाश। अब मेरा खून पिएगा। तू मेरे को याद करता है ऑफिस में? नहीं। है? नहीं। तू मेरे साथ झगड़ा? तू मेरे साथ जो भी लड़ाई होती है वो याद आती है तेरे को? नहीं। बेटा। मैंने यहाँ पर अपने जोए बनाए हैं, मुमकिन जोए। आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, सेवैया बोलते हो या जोए बोलते हो, आप लोग समझ जाना। पर मैंने ना मिक्स वेज बनाई थी तो वो रात को कोई खाएगा नहीं, इसलिए मैंने इसके अंदर डाली। और ये मैंने आलू मटर बनाए हैं। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या किया तूने? हो गया ये चुन्नी देना। तू पागल है, शादी की चुन्नी है बेवकूफ इंसान। ये मैं इसके लिए लेके आई थी। यशु देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई, पंखे फैन लेकर आई थी। ये अब हम मार्केट जा रहे थे जब तूने हमें देखा था, मैंने हॉर्न दिया था ऑफिस के। मम्मी पापा ऑफिस गए थे इसके। हाँ जी। इसके यू भी नहीं हुई कि भाई बंदा मम्मी आई है दीदी आई है तो मैं बाहर निकल के देख लूं। है ऐसे ही चला गया। एक तो मैं तेरे लिए ये रात का नाश्ता लेकर आई जो तू रात को ठूस ठूस के खाता है, एक एक दो दो बजे तक। और ड्रॉर में फंसा देता। हाँ, और खाली कागज रैपर्स ड्रॉर में फंसा देता है। फिर मेरे लिए स्पेशल खाना है, स्पेशल तो नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं खाता। और ये मुझे चाहे 10 दिन दे दो आप डेली, मैं खा लूं, मैं मना नहीं करूंगी। सब्जी मैंने इनके लिए आलू मटर बनाई है। अब आलू मटर बनाइए तो वैसे ना सब्जी में ना सब्जियां है ही नहीं, आलू मटर, आलू गाजर, आलू शिमला मिर्च, आलू 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 आलू। हाँ, और फिर रात को आती है घूम फिर के दाल। हाँ दाल आती है। सब्जी दाल आलू मटर बनाई है और जल्दी चेंज कर ले, फिर मम्मी तेरे लिए खाना बना देंगी। तब तक पापा आ जाएंगे 9:15, 9:30 बजे तक, 9:45 बजे तक पापा आ जाते हैं। तब तक के लिए मैं टेस्ट करती हूँ, देखते हैं कैसा बना। यम यम इन माय टम टम, बहुत ही यम्मी बनिया। अब आप लोग सोचे कि मैंने बनाया तो मैं तो यम्मी बोलूंगी, नहीं ऐसा नहीं है मेरा। आप लोगों सच में लग रहा है कि मैं खुद की तारीफ अपने मुंह से कर रही हूँ, पर मम्मी से भी पूछ लेते हैं। मम्मी आपको आपको कैसे लगे? अच्छे लग रहे हैं, स्वाद है ना। तो हाँ वो जो है पर आप मत खाना क्योंकि इसके अंदर मिर्च है, मैं नहीं खा सकती, मैं तो आम पापड़ खा रही हूं। तो मेरा डिनर भी हो चुका है और जैसे कि मैंने कहा था कि 9:30-10 बजे तक पापा आ जाते हैं। तो देखिए टाइम एग्जैक्ट 9:30 बजे पापा आ गए हैं। तो मैं लेने के लिए जा रही हूँ पापा को। पापा ने हॉर्न भी दे दी है और पापा की आदत है जब तक हम लोग जाए ना तब तक गाड़ी से उतरेंगे नहीं, तब तक अंदर नहीं आएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी सामान लेगी। मुझे सामान दो। ये मेरे पापा। क्या सुन रहे हो भाजी? गजल है? गजल, गजल। चलो चलो आ जाओ।